अभी तक धान की खरीदी शुरू नहीं हुई है, जिससे किसान काफी आक्रोश में नजर आ रहे हैं। नाराज किसानों ने तहसील का घेराव कर दिया और जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष गुरसेवक सिंह ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार हमें धरना पर बैठने के लिए मजबूर ना करे, वरना तहसील घेरेंगे और हाईवे भी जाम कर देंगे। धान की खरीदी अब तक शुरू नहीं हो पाई है, जिससे किसानों का गुस्सा लगातार बढ़ते जा रहा है। उधम सिंह नगर के खटीवा में नाराज किसानों ने तहसील का घेराव कर दिया और धान खरीद शुरू करने के लिए जमकर नारेबाजी की। किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरसेवक सिंह ने कहा कि यह सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है। सरकार और राइस मिलर आपस में मिले हुए हैं। आज किसानों के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। सरकार को चेतावनी देते हुए गुरसेवक सिंह ने कहा कि हमें धरने पर बैठने के लिए मजबूर ना किया जाए, वरना किसान तहसील का घेराव करेंगे और हाईवे भी जाम कर देंगे। देखिए, आज लगभग 12-13 ट्राली आई थी, वो इन्होंने सेंटरों पर भेजी है और कल परसों की छुट्टी है। अब सोमवार को जो है किसान जो है भारी संख्या में, हमने किसानों से अपील की है कि अपना धान कटवा कर मंडी पे पहुँचे और शासन प्रशासन से हमारी यही गुजारिश होगी कि हमें धरने पर ना बैठना पड़े और जैसे ही किसान आए उनकी टोल आप शुरू करें, जो किसान धान तुलवा के अपने अपने घरों में जाए और अगली खेती की तैयारी करे। वहीं इस मामले में खटीमा के तहसीलदार हिमांशु जोशी का कहना है कि किसानों की मांगे सुनी गई हैं। कई सेंटर पर जांच कर पता चला है कि टेक्निकल इशू की वजह से सेंटर शुरू नहीं हो पाए हैं, जल्द से जल्द इन सेंटर को शुरू कर दिया जाएगा। वहीं एसएमआई अधिकारी जगदीश कॉलोनी ने कहा कि आवेदन मिलते ही कार्य शुरू कर दिया जाएगा। हमारे यहाँ हमारे द्वारा सभी सेंटर्स की जांच की गई है और किसान के धान से उनके संबंधित जो गांव के सेंटर्स उनके द्वारा भी भेज दिया गया है, तो फिलहाल मामला अभी कुछ भी नहीं है। हमारे धान के सभी खरीद करके जरूरत स्टार्ट हो गई है। किसानों का कहना है कि लोग पिछले सालों की तरह कचाट की खरीद होती है, इस साल भी शुरू करवाई जाए, बहुत समय हो गया है। 6 तारीख तक कचाट की भी कोई शुरू नहीं हुई है, उनका धान नमी वाला है, ग्रह केंद्रों पर तुल भी सकता है, इसे कचाट के थ्रू छुपाया जाए। देखिए, इनके आवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं, जो भी कच्चा आरती मिला से इनके आवेदन हमें प्राप्त नहीं हुए। जब तक इनके आवेदन नहीं आ पाते हम इस संबंध में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो भी धान आन घूटना होता है सब मिलस में घूटना होता है और किसानों की जो भी कहना है, जब तक आवेदन नहीं आ सकते उस संबंध में क्या कर सकते। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।